समूहवाचक कौन सा समुदायवाचक संज्ञा के को जानने के बाद सेकंड नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा आती है, जो किसी जिस शब्द के द्वारा किसी द्रव्य का बोध हो। द्रव्य कुछ भी हो सकते हैं, धातु का नाम भी हो सकता है, नाम का नाम भी हो सकता है, द्रव्य दूध दे चीनी मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण है कि सोना चांदी चावल गेहूं चीनी दूध पेड़ पानी। तो इस प्रकार तीसरा नंबर जो तीसरा भेद है याद करने के बाद आता है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा जिस किसी गुण को जो भाव जिस भाव को हम स्पर्श नहीं कर सकते वह भाव भाववाचक संज्ञा का जिस शब्द के द्वारा किसी भी भाव को दर्शाने वाला शब्द किसी भी प्रकार का भाव हो, भाव अनेकों प्रकार के होते हैं तो उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक में गुण दोष भी आ सकते हैं, अवस्था आ सकती है, मन के भाव आ सकते हैं, लेकिन किस तरह से आते हैं वो जो अच्छा ही एक गुण हो गया बेईमानी हो गई है गुणदोषमानी गुणदोष दोनों उसमें है प्रेम भाव है बुढ़ावा अवस्था है। तो इस प्रकार के जो भाव को दर्शाए जिसके द्वारा किसी भाव का बोध हो किसी प्रकार का अवस्था हो गुण हो दोष हो इस तरह के भाव मन के भाव हो आदि थकावट आए वो दिखाई देगी लेकिन हम उसे दर्ज नहीं कर सकते। जिसको आ रही है वो अलग बात है लेकिन उस भाव को हम स्पर्श नहीं कर सकते। थकावट है मिठास है तो ये सारे शब्द हमारे भावों से संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए भाव वाचक संज्ञा यहाँ बताना चाहेंगे आपने देखा होगा काफी एक्सरसाइज जो कराई जाती है जो अभ्यास कराए जाते हैं या आपने पुस्तक में देखा होगा वैसे भी अभ्यास हल कर रही होंगे कहते हैं ना भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए के नियम अलग हैं मीन्स कई तरह से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है वो थोड़ा सा यहाँ चर्चा करते हैं। क्वेश्चन यदि हम करते प्रश्न करते हैं कि भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों के द्वारा बनाई जाती है किन किन से बनाई जाती है और किस प्रकार बनाई जाती है तो आइए चर्चा करते हैं कि भाववाचक संज्ञा जातवाचक संज्ञा से होती है जातवाचक संज्ञा से ठीक है सदनाम से बनती है सदनाम से थर्ड विशेषण से भी बनती है विशेषण से भी बनती है क्रिया से भी बनती है और अव्यय से भी बनती है अव्यय से। अब देखिए कि जातिवाचक संज्ञा जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको समझाया था कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं किसी व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष की जाति का स्थान विशेष की जाति का वर्णन अति का वर्णन हो उसका बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। उदाहरण में समझाया था उदाहरण दिए तो आप कोई भी उदाहरण लेके कर सकते हो जैसे एक वकील होता है ये पोस्ट है पद है उसकी जात अलग लग रही कि ये इसका पेशा है तो वो क्या करेगा वकालत करेगा ये भाववाचक जो काम करे
वो वकील दिख रहा है। भाववाचक संज्ञा बनाते हैं वकील का वकालत बन गया। सेकंड नंबर आपका आता है मनुष्य मनुष्य से बन जाएगी मनुष्यता। इसका बना करके बनेगा मनुष्यता मनुष्यता मनुष्यता। सज्जन व्यक्ति है आपको सज्जन व्यक्ति दिखेगा लेकिन उसका हवा से बन जाएगा सज्जन। ऊंचाई को नहीं छू सकते जो चीज ऊंची है
क्या चीज मुमकिन है। तो ये अग्रिम शब्द का प्रयोग हुआ है और तीन खेती में होती है तीन का उसमें तीन का इस तरह से हम लोग हम अव्यय से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के अब सुनिए संज्ञा से भी परिवर्तन होता है। मेन पांच चीजें होती हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। पहली जातिवाचक संज्ञा जिस प्रकार के बकरी से बकरा मनुष्य से मनुष्यता सज्जन से सज्जनता इस प्रकार के शब्द चलते हैं। सर्वनाम शब्द से भी सर्वनाम शब्द से पहले नंबर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा तू स्व से स्व निजी से निज से निधि अपना से अपना या अपना विशेषण से बनाना विशेषण से कैसे बनाएंगे एक कोई विशेषण शब्द से हम भाववाचक कैसे बनाएंगे देखिए का एक होता है प्रत्यय रहते हैं प्रत्यय का भी प्रयोग बताएंगे वो देखेंगे कि महान महानता महान कौन है लेकिन इसका भाव क्या है महानता तो वहां ये भाव वाचक संज्ञा महानता वीर वीर भी विशेषण है लेकिन उसके साथ वीरता का भाव है जो भाव आया है वो भाववाचक संज्ञा में वीरता शब्द आ गया। निर्बल करेंगे तो ताप प्रत्यय लगाकर इसमें निर्बलता कर देंगे। फोर्थ नंबर पे आता है क्रिया से क्रिया कोई भी होता है किसी कार्य का करना किसी कार्य का होना ये सारी क्रियाएं क्रिया तो आप बच्चे जानते हैं जो कार्य करते हैं वही क्रिया है। किसी प्रकार की भी क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। उड़ना है उड़ना से उड़ान कोई पक्षी उड़ रहे हैं इस पक्षी की उड़ान बहुत पक्षी उड़ रहे हैं पक्षी की उड़ान बहुत ऊंची है तो उड़ान आ गया थकना थकान हो रही है थकावट हो रही है इसमें थकान और थक इसमें आन और आवट दोनों ही आई है। थकना थकान है ना बनना बनना किसी चीज को बनाते हैं बनाने के बाद जब पूर्ण होते कहते हैं ना कितनी सुंदर बनावट है इसकी बहुत सुंदर बनावट है लेकिन वो क्या है भाववाचक संज्ञा उस बनावट को नहीं छू सकते उस वस्तु को छू सकते हैं जो बनी है लेकिन उसकी भाव जो है उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। अव्यय से अव्यय शब्द है दो ऊंचा नीव निकट इस तरह के बहुत से शब्द हैं लेकिन फिर हम उसको परिवर्तित कैसे करेंगे दूर है दूर में ई प्रत्यय लगाकर हमने दूरी कर दिया ऊंचा है आई प्रत्यय लगा के ऊंचाई कर दिया तीव्र है ताप प्रत्यय लगाकर तीव्रता कर दिया इसी प्रकार से निकट शब्द है निकटता कर दिया इस तरह से हम कोई भी चीज अव्यय के शब्द लेकर उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करके अभाव के रूप में जो आता है भाववाचक संज्ञा उसका भाव प्रदर्शित जिससे हो वह शब्द में बदल देते हैं। तो मुझे याद वाचक संज्ञा जब प्रश्न था भाववाचक संज्ञा किस किस से बनती है यानी कि हम भाववाचक संज्ञा में जब परिवर्तित करेंगे तो कैसे करेंगे बहुत सारी चीजें जातिवाचक संज्ञा को भी हम भाववाचक में बदल सकते हैं सर्वनाम शब्दों को भी हम भाववाचक में बदल सकते हैं विशेषण को भी हम भाववाचक में बदल सकते हैं क्रिया को भी हम भाववाचक में बदल सकते हैं और अव्यय को भी हम भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। इस प्रकार निम्न पांच प्रकार से भाववाचक संज्ञा बदली जा सकती है। उसके बाद शॉर्ट में एक चीज और बताएंगे बच्चे जो कि ये चैप्टर है छोटा शुरू से पढ़ा है जल्दी समझ आ गया होगा लेकिन उसके साथ कुछ होमवर्क में मैं और भी कुछ दूंगी जो आगे आपके पाठ्यक्रम में है जैसे कि आपका पत्र है अनसीन पैसेज है अपठित है इस तरह की कुछ चीज़ें दी हुई हैं आपकी वो मैं जरा देती हूँ हाफली में है अपठित अपठित है इसमें है अपठित का देख लीजिए पेज चैप्टर नंबर 20 में देखिए
अपठित दिया हुआ है, उससे पहले 19 भी है बच्चों, वो भी आपके पाठ्यक्रम में है, तो इसको भी हम देखते हैं क्योंकि हाफयरली में है ये। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत जो सिलेबस एक्स्ट्रा चैप्टर के अतिरिक्त लिए गए, ये तो कंटिन्यू चले हैं और आगे भी लिए हुए हैं, तो हम इसको बच्चों भी सिलेबस नोट करके आए हैं। तो अब देखिए कि मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, आप इसको थोड़ा सा अभिव्यक्ति क्या कहते हैं, ओरल एक्सप्रेशंस, किसी चीज को हम मौखिक बोलते हैं करते हैं तो हमारे भाव व्यक्त होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा होमवर्क आपको देना चाहेंगे कि चैप्टर नंबर 19 में जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति में थोड़ा सा होमवर्क मैं ये देना चाहूंगी कि आपको एक किसी चीज को बोलने का अभ्यास हो जाएगा, बोलना आएगा। कि देखिए मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति तो दोनों तरह की होती हैं, तो मौखिक वाला देखना है, आप कोई किसी को कहानी सुनाते हैं, कोई कविता का पाठ होता है, गा के सुनाते हैं, बड़े अच्छे ढंग से तरीके से सुनाते हैं, उसमें सुनाते समय हमें अटकना नहीं है, कुछ भूलना नहीं है, तो इस तरह से हमें मतलब बिल्कुल अविरल गति से हमें बोलना है, ऐसा लगता है कि मतलब हम जितना समझ पा रहे हैं वो सामने वाले को हम समझा दें। तो यहाँ इन चीजों को बहुत ध्यान देना चाहिए, जैसे कविता पाठ कर रहे हैं, एक कहानी सुना रहे हैं बाई चांस, अब सपोज मान लीजिए हम एक कहानी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तो हम कहानी हमें बहुत अच्छी तरह से तैयार होगी, हम ये नहीं कि सोच सोच के बोलेंगे, हमें लगातार बोलना है हम और उस कहानी को प्रस्तुत करना है। टेलीफोन पर बात करते हैं आप लोग, वो भी मौखिक अभिव्यक्ति है, तो कह रहे हैं ना क्या होता है, बहुत सारी कहानी है, काव्य पाठ है, टेलीफोन वार्ता है, इस तरह की चीजों में आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं, जैसे फोन करते हैं फोन आता है तो आप कंटिन्यू बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, अब भूलते नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है ना कि किस संबंध में बात चल रही है, हमें कितना क्या जवाब देना है। समाचार वाचन, अगर अखबार समाचार वाचन नहीं पढ़ना, अखबार आता है अधिकांश तो बच्चों के घर पे आते हैं, तो वहां आप समाचार, कई अखबार द्वारा भी समाचार मिलते हैं आपको, दूरदर्शन के द्वारा भी मिलते हैं, रेडियो के द्वारा, पहले के जमाने में रेडियो होते थे वहां समाचार सुनते थे, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने इतनी तरक्की की है उसके साथ साथ बहुत कुछ सुविधाएं हो गई हैं। तो शायद कोई पूछे कि आज का समाचार क्या था, तो आप सुनने के बाद बता सकते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने क्या सुना और सामने वाला क्या पूछ रहा है, तो हमें उसका जवाब देना है कि समाचार में ये बातें, आज का समाचार ये है, ये बातें बताई गई थी। दूसरा भाषण, किसी भी चीज पे कोई टॉपिक देते हैं या किसी, कहते हैं ना अनुच्छेद बोलिए, लिखने का बोलने का भी आता है, तो जो भाषण होता है लेक्चर देना, आपके कक्षा में अध्यापक अध्यापिकाएं आपको बहुत कुछ लेक्चर देते हैं, मीन्स पाठ से संबंधित बहुत कुछ बताते हैं, मौखिक बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, वो क्या है लेक्चर द्वारा, भाषण द्वारा, वो वैसे भाषण नेता भी लोग देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अध्यापक गण ही देते हैं, तो ये भाषण, ये सारी चीजें, इनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एक तो इसको पढ़ना है, मौखिक अभिव्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना है, क्योंकि ये अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। सेकंड चैप्टर एक महत्वपूर्ण है अपठित, अपठित समय कम होने के कारण मैं ब्लैक बोर्ड पे तो नहीं बता पा रही, ऐसी समझा देती हूँ आपके समझ में आ जाएगा। एक आता है अपठित गद्यांश और पद्यांश, गद्यांश ही है आपके में, पद्यांश पद्य हैं आपके में, गद्यांश ही है शायद, मैंने नोट करा है अपठित, वैसे मैं दोनों ही बता दूंगी जिससे आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए बच्चों,
अपठित गद्य। अपठित का अर्थ क्या है? अपठित कहते किसे हैं? अमीस नहीं, अमीस नहीं। अ का अर्थ होता है नहीं, क्रॉ पठित पढ़ा, जो पढ़ा नहीं गया हो, जो पढ़ा हुआ नहीं हो वह अपठित कहलाता है। गद्यांश गद्य का एक भाग। कुछ अंश पद्य का कविता, आप तो जानते होंगे पद्य किसे कहते हैं, कविता रचनाएं जो होती हैं वो पद्य में होती हैं, तो उसका एक खंड दिया जाता है। गद्य हो या पद्य हो, गद्य हो या पद्य, यहां जो आपको बहुत कुछ ध्यान देना है कि जब हम किसी चीज में अपठित भी है ये भी है, अभी हर चैप्टर में बताना पड़ेगा, तो अपठित है क्या? अपठित बिना पढ़ा हुआ हो गया, गद्य पद्य दोनों में आ सकता है आपको, तो आपको किसी प्रकार की का तनाव नहीं रखना है कि हाँ ये कैसे होगा। गद्य में उसका गद्यांश एक गद्य का पाठ का एक अंश दिया जाएगा। नीचे प्रश्नोत्तर प्रश्न दिए जाएंगे और उसमें से उस अंश में से जो गद्य का अंश दिया हुआ है, गद्य का एक अवतरण दिया हुआ है, उसमें से आपको उसके उत्तर छांटने हैं। जो पूछा गया है, जिन प्रश्नों को पूछा गया है, वह आपको उसके उत्तर उसी गद्य खंड में से, गद्य अवतरण में से, गद्य के अंश में से मिल जाएंगे। थोड़ा अपनी भाषा में लिखेंगे तो और भी अच्छा है। तो शीर्षक मांगते हैं जिसके बारे में, मेन चीज उसमें शीर्षक होती है, जहां बच्चे थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, ये लगता है कि पता नहीं कैसा शीर्षक है, तो ध्यान दीजिए शीर्षक गद्य का हो या पद्य का हो, जिसके बारे में अधिक से अधिक उसमें वर्णन किया गया हो, जिसके बारे में अधिक बताया गया हो, मेन बात वही है। समाचार से संबंधित कोई पैरा है, गद्य खंड है, तो आप उसका शीर्षक क्या लिखेंगे, समाचार पत्र। पद्य का है किसी कविता, वर्षा ऋतु से संबंधित कोई